कि आप लोग दिव्य दर्शन कर सकते हो, नज़ारे देख सकते हो। ये देखिएगा आप लोग बीच में जल की धारा देख सकते हो पूरी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा जल की धारा तेज़ है यहाँ पर पूरी तरीके से। देखो जल की धारा देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ है, और ये देख सकते हो दोस्तों। एक बार आप सभी को फिर से जय गंगे माता। आज 18 और 19 मई का दिन है, 19 मई के दिन आप लोग लाइव दर्शन कर सकते हो हरिद्वार हर की पौड़ी से माँ गंगा जी के दिव्य दर्शन कर सकते हो। एक बार आप सभी को जय गंगे माता। आज 19 मई का दिन है और मैं पहुंच चुका हूं अभी हरिद्वार। हरिद्वार हर की पौड़ी से आप लोग माँ गंगा जी के दर्शन कर सकते हो, और रात का समय हो चुका है कम से कम 11 बजे का, और 11 बजे आप लोग दर्शन कर रहे हो पूरी तरीके से हरिद्वार हर की पौड़ी से। अभी आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से सामने घाट पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु दिखेंगे जो अभी भी स्नान करते हुए दिखेंगे तुम्हें पूरी तरीके से। ये देख सकते हो और रात के सुंदर नज़ारे देख रहे हो आप। ये देख लो पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है आज, और पूरी तरीके से आप लोग देख रहे हो ये रहा हर की पौड़ी। और रात में आज इतनी ज़्यादा भीड़ है ना दोस्तों, भाई सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा और सामने शिव वाले घाट की ओर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा धीरे धीरे पीछे जो घाट बचे हैं ना, वहाँ के आप लोगों को दिव्य दर्शन कराने की कोशिश करेंगे हम, और रात के सुंदर नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जितने लोग भी हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, एक साथ सभी लोग लाइक करेगा, एक साथ शेयर करेगा, एक साथ कमेंट करेगा। ये देख सकते हो दर्शन भी करते जाएगा साथ साथ में और कमेंट भी करते जाएगा। ये देख रहे हो हरिद्वार, इसे बोलते हैं मालवी घाट, और सामने राम महिला वाला घाट आप लोग देख रहे हो पूरी तरीके से। चलते हैं, ले चलते हैं सीधे ब्रह्मकुंड घाट पे, वहाँ के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं आप लोग। अच्छा तो दोस्तों अगर आप लोग रात में हरिद्वार आते हो और घाट के किनारे सोते हो, इस तरह से विश्राम करते हो, तो अपना सामान का ध्यान जरूर रखना। बार बार बोलता हूँ, जिस बार भी जब भी रात में वीडियो बनाता हूँ तब आप लोगों को बताता हूँ कि सामान का ध्यान जरूर रखेगा, तो इन बात का ध्यान जरूर रखेगा। ये लोग जैसे सो रखे हैं, और सामान को इस तरह से छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर स्नान कर रहे हो तो आपका जो सामान होता है, या तो अपने हाथ जो उसका लेस वगैरह होता है उसको बांध के रखिएगा, या अपने हाथ के बीच में फंसा के चलिएगा, उस तरह से सोना है, क्योंकि फिर आपका सामान रात में कोई भी आके उठा सकता है। अगर आप सो गए नींद में हो और आप लोगों को पता नहीं चलेगा आपका सामान लेके कौन चलेगा, फिर आप अपना सामान ढूंढते रह जाओगे और यहाँ पर मिलने की संभावना भी नहीं रहेगी। चलो देख सकते हो सीधे सामने ब्रह्मकुंड घाट के दिव्य नज़ारे आप लोग दोस्तों। ये रहा ब्रह्मकुंड घाट, और वहाँ के आप लोग नज़ारे देख, ये देखिएगा हर की पौड़ी के, और रात के कितने सुंदर नज़ारे देख रहे हो। ये देखिएगा अभी भी आप लोगों को काफ़ी भोले के भक्त, काफ़ी श्रद्धालु माँ गंगा जी में रात में भी स्नान करते हुए दिखेंगे पूरी तरीके से, देख रहे हो। ये देखिए और रात में कितना प्यारा लगता है जी, और अभी गंगा जी का बहाव रात में और ज़्यादा तेज़ रहता है, देख रहे हो रात में और काफ़ी तेज़ रहता है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिए जेरा घंटाघर घाट पे अभी हम पहुंच चुके हैं, ये घंटाघर घाट के नज़ारे देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो। ये देखिए और श्रद्धालु की भीड़ देखो भाई घंटाघर घाट पे पूरी तरीके से, ये देख रहे हो। ये देख सकते हो अब सामने घाट के नज़ारे, जहाँ पे होती है माँ गंगा जी की दिव्य आरती, वो होती है ठीक सामने। ये देख सकते हो और सामने भी कुछ पाठ पूजा चल रही है सामने, देख रहे हो वहाँ पे कुछ भजन कीर्तन चल रहे हैं सामने की ओर, वहाँ पे कुछ लोग अपना आनंद ले रहे हैं भजन कीर्तनों में, और कुछ लोग गंगा किनारे बैठे हैं। ये देख सकते हो कुछ लोग गंगा किनारे बैठ के आनंद ले रहे हैं, और कुछ लोग माँ गंगा जी में स्नान करते हुए आनंद ले रहे हैं। और जो सामने का व्यू दिख रहा ना तुम्हें, सामने होती है माँ गंगा जी की दिव्य आरती, ये देखिएगा रात के नज़ारे देख रहे हो सुंदर से। ये देख सकते हो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके बड़ी वाली धारा की तरफ, ये देखिएगा और ये देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी लोग इस तरह से सो रखे हैं। ये देखिए लेकिन घाट के किनारे इस तरह से कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल नहीं फैलाए, जो उड़ के पन्नी फोकते हैं सीधे माँ गंगा जी में जाती है, तो इस तरह का कूड़ा कबाड़ा भी बिल्कुल घाट के किनारे नहीं फैला। ये देख सकते सीधे आपको ले चलेंगे नाई वाले घाट की ओर, और वहाँ के भी दर्शन कराने की कोशिश करते हैं, दिव्य नज़ारे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं लेकिन भीड़ में ना दोस्तों, रात में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, सच में बहुत भयंकर भीड़ है। और अभी तो वो छुट्टियाँ पड़ी नहीं है पूरी तरीके से बच्चों की, और 25 तारीख के बाद आपको और ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ये देख रहे हो ये लोग ये गलती कर रहे हैं, देख रहे हो रेलिंग के पार जाके स्नान कर रहे हैं, बट जो ये गलती नहीं कर रही है जैसी गलती ये लोग कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों जल का भाव इतना तेज़ रहता है, ये भाई जी यहाँ पर डूब गए थे, बट वही बोलता ना बार बार इस तरह की गलती नहीं करे, जहाँ पर भाव तेज़ रहता है वहाँ पर स्नान करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, आराम से स्नान करें, और इस तरह से गलती बिल्कुल नहीं करें कि आप लोग जो
आप लोगों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, ये रहा नाई घाट, और नाई घाट के आप लोग दिव्य दर्शन कर सकते हो, नज़ारे देख सकते हो। ये देखिएगा आप लोग बीच में जल की धारा देख सकते हो पूरी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा जल की धारा तेज़ है यहाँ पर, पूरी तरीके से देखो जल की धारा देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ है, और ये देख सकते हो। ये देखिएगा फिर नाई घाट के नज़ारे देख रहे हो, पूरी तरीके से रात के दर्शन कर सकते हो आज हरिद्वार के, और माँ गंगा जी के दिव्य दर्शन कर सकते हो। ये देखिएगा, देख रहे हो बड़ी वाली धारा की तरफ आप लोग दर्शन कर सकते हो। दोस्तों अभी नाई घाट से सीधे हम पार आ चुके हैं भागीरथी सेतु की तरफ, और ये रहा सुभाष घाट। और आज के इस ब्लॉग के रात के समय के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करेंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। मिलते रहेंगे ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।